हाय एवरीवन, आपको फिर से एक और नए वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैनल को मोनेटाइज कैसे किया जाता है, जो कि दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी कर बताने वाले हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि मेरा एक क्रिकेट का चैनल था और वह चैनल इस समय मोनेटाइज हो चुका है, और मैं यही वीडियो बनाकर जो है आपको बता रहा हूँ अपने टेक्नोलॉजी ट्रिक पर। जो कि आप बहुत से लोगों का यह प्रॉब्लम होता है कि जब नए नए क्रिएटर यूट्यूब पर आते हैं तो उनको यही नहीं पता होता है कि एक हर सब्सक्राइबर 4 घंटा का वॉच टाइम जब हो जाता है तो चैनल रिव्यू में भेजा जाता है, तब वो चैनल मोनेटाइज होता है। लेकिन बहुत से लोग नए नए आते हैं तो उनको पता नहीं होता है। अगर दोस्तों इस समय इस वीडियो को देख लेंगे तो आगे चलकर आप लोगों का बेनिफिट मिलेगा, जिससे आप आसानी से अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं, क्रिकेट का हो या कोई भी कैटेगरी का चैनल हो। तो दोस्तों आगे का जो प्रोसेस है हमारे शोएब सर बताएंगे, जिसे आप लोगों को आसानी से देखकर आप सीख सकते हैं और आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप नए क्रिएटर हैं तो। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को देख ही लेते हैं। बट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए ताकि आगे भी इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी ट्रिक। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया टेक्नोलॉजी ट्रिक में आप अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो काम होती है वो वैकेंड में भी होती है, वीकेंड में भी होती है, फ्रंट एंड में भी होती है। मतलब कि हमारे नितेश सर ने जो स्पोर्ट ट्रिक्स चैनल आप सभी के लिए ओपन किया था वो फाइनली मोनेटाइज होने का टाइम आ गया है। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कैसे आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। और दोस्तों ये चैनल में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया गया है, और आप भी चाहते हो कि अपनी भी स्पोर्ट ट्रिक्स जैसे या क्रिकेट से रिलेटेड चैनल खोलने के लिए, तो यार इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि उसमें वो ट्रिक्स टेक्निक्स और स्ट्रेटजी बताई जाती है जो कि कहीं नहीं मिलने वाला है। दोस्तों काफ़ी मेहनत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है नितेश सर। तो चलिए इनकी चैनल को हम मोनेटाइज करते हैं। तो सीधे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं अभी स्क्रीन पे हूँ, और आपको भी जैसे ही अपने चैनल ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इस तरीके का स्क्रीन ओपन हो जाएगा, जहाँ से जैसे ही आप अपना स्क्रीन यहाँ पे ओपन करोगे यहाँ पे आपको कस्टमाइज चैनल का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। इसके बाद से सीधे आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद से यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे एक अर्न का ऑप्शन होगा। सिंपली से आपको इस अर्न वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका पेज यहाँ पे अप्लाई वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कितनी खुशी होती है यार जब अप्लाई नाउ का बटन मिल जाता है किसी भी क्रिएटर के लिए। क्योंकि यार वो 1000 जो सब्सक्राइबर होता है स्टार्टिंग का और 4000 घंटे का वॉच टाइम, यार काफ़ी अपने में बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है। और वो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं अकेले नितेश सर ने कर दिखाया है, अकेले आपके डेडिकेशन और प्यार के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन 1284 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 4 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारे चैनल पे 6406 घंटे हो चुके हैं। 2-step वेरिफिकेशन भी यहाँ पे इनेबल है, और हमें कोई भी अभी कम्युनिटी गाइडलाइंस अभी तक एक्टिव नहीं है। तो ये 4 क्राइटेरिया आप सभी को पता है ये होता है मोनेटाइजेशन के लिए। अब बिना देरी किए हुए यार एक एक चीज स्टेप फॉलो करना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत देखना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जब आपके पास टाइम हो तभी देखना, क्योंकि यार ये 1000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम करने में यार काफी मेहनत लगती है। तो हो ना हो कि आपकी मेहनत बेकार हो जाए, तो मैं यही सजेशन करूंगा दोस्तों आपके पास टाइम हो तभी देखिए, अदरवाइज बाद में भी इस वीडियो को सेव कर लीजिए देख सकते हैं। तो अब आपको सीधे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, एक एक स्टेप आपको ध्यान देना। देख सकते हैं ये 3 स्टेप में हमारा चैनल वेरिफिकेशन होगा। स्टेप 1 रिव्यू बेस में जाएगा, सेकंड में हम गूगल एडसेंस अकाउंट के बारे में बात करेंगे कैसे साइन अप करना है, और थर्ड फाइनल हमारा रिव्यू में होगा। फर्स्ट स्टेप तो तुरंत अभी आपका आपके स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पे करूंगा इस वीडियो के अंदर। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। ये टर्म्स एंड कंडीशन वही है कि जो कि बाद में आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस मिलता रहता है यूट्यूब की तरफ से कि आपने आपके वीडियो डिलीट किया जाता है, कि आपने ये फॉलो नहीं किया, वही चीजें यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लो आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे। हालांकि मुझे सारी चीजें इसको पता है तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे स्क्रॉल अप करूंगा और इसको रीड करूंगा, और जितने टर्म्स एंड कंडीशन है आई एक्सेप्ट द बेस टर्म पे क्लिक करूंगा, और नीचे ये जो एक्सेप्ट टर्म्स है इस पे मैं सिंपली से क्लिक करूंगा। जैसे इस पे क्लिक करूंगा दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हो ऑन टाइम ऑन लाइव यहाँ पे देख सकते हो। अब ये इस यहाँ पे जो होगा ये मेरा देख सकते हो स्टेप 1 डन हो गया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अब मैं सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ, आई थिंक आप भी अब सेकंड स्टेप के लिए बढ़ोगे। स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, फिर से वही काम करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे मेजर पार्ट आपको बताने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट को पता है या जो क्रिएटर्स को पता है, एक बार ध्यान से आप सभी लोग देखिए। सेलेक्ट पे क्लिक करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पास गूगल एडसेंस हो फिर भी आप यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेशन दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी समझो यार दोस्त की तरह। तो मैं आपको आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करना है, क्योंकि यार हर एक यूट्यूब के लिए हर एक अलग अलग गूगल एडसेंस रहता है, तो बेहतर होता है क्योंकि यार अर्निंग आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आती है कि किस यूट्यूब से कितनी अर्निंग आती है और कितना का स्टैटिक्स ग्राफ्स कितना बना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे कैप्चर कर पा रहे होते हो। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, नो आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट।
आई डोंट नो पे बिल्कुल भी नहीं कनेक्ट करना है। आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, आप पहले से अकाउंट बना चुके हो तो पहले पे क्लिक कर लेना, लेकिन स्टिल मैं वही सजेशन करूंगा कि सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे और ये चीजें हो गई। इसके बाद से मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी गूगल एडसेंस बनेगी वो उसमें काफी ज्यादा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे मेल एड्रेस आ गया होगा, तो मैं मेल एड्रेस पे क्लिक करूंगा। कुछ चीजें सिक्योरिटी के लिए ब्लर है तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ ऑलरेडी आपके YouTube का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट होगा, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना। नीचे आना गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस या सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन नो आई सेंड, तो आपको पहले वाले पे क्लिक करना है कि आपको यहाँ पे गूगल एडसेंस से कुछ भी यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा। कंट्री पे सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इंडिया यहाँ सर्च करोगे तो अपना प्यारा इंडिया भारत देश यहाँ पे आ जाएगा, तो इंडिया पे मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद से दोस्तों इस टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से आपको रीड आउट करना है, पेमेंट के क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या आपकी चीजों को फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, कैसे आपको पेमेंट में येलो डॉलर आता है, कैसे आपका यहाँ पे ग्रीन डॉलर होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, तो वो चीजें आप यहाँ पे पढ़ लेना ताकि इन फ्यूचर आप यहाँ कोई गलतियां मत करो। इसके बाद यस आई हैव रीड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पे डायरेक्ट गूगल एडसेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ऑन टाइम, या फिर अगर आपके पास पहले से है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक एक चीज आपको यहाँ पे वन टू वन आपको दिखाने वाला हूँ लाइव ऑन स्क्रीन पे। तो मैं यहाँ पे यही चीजें क्लिक करूंगा, तो नेम देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस, तो मैं नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और नेम मैं अपने पर्सनल नेम में यहाँ पे बनाता हूँ। तो वो सारी चीजें हो सकता है कि कुछ चीजें आपको सिक्योरिटी के लिए ब्लर हो, आपको भी करनी पड़ेगी। आप यूट्यूब पे नए आए हो अभी आप बना रहे हो, आपको पता चलेगा क्या क्या यहाँ पे करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे दूसरी चीज में आपको एड्रेस लाइन लिखना है, एड्रेस लाइन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा दोस्तों बहुत ज्यादा क्रिएटर यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पे आपका गूगल एडसेंस का जो पिन आता है ना वेरिफिकेशन के लिए, तो एक बार भैया आप एड्रेस गलत किए तो पूरा सब कुछ चला जाएगा, 1000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे मैं एड्रेस में लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक चीज लिखता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं टाइम लगेगा तो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो की लेंथ हो लंबी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक एक चीज आपको बताने वाला हूँ मैं और वो चीजें समझा दूंगा तो मेरे लिए काफी बेनिफिट होगा। तो विलेज में मैं पिपरा जटामपुर लिखता हूँ, हालांकि ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहिए, स्टिल मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ ध्यान देना। तो विलेज और यहाँ पे प्लस मैं पोस्ट लिख देता हूँ, पोस्ट ऑफिस। इसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद से यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट। ये बेसिकली डेमो के लिए है, ये नहीं कि मेरा ओरिजिनल एड्रेस है, चाहे ये मतलब इस चैनल के लिए है, तो ये ऐसा कुछ मत समझिएगा, ये डेमो के लिए है। आप भी डेमो के लिए ही यहाँ पे आप चीजें डाल सकते, लेकिन आपको ओरिजिनल डालना है भाई साहब, यहाँ पे ध्यान रहे। तो मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दिया हूँ, इसके आगे आपको ध्यान रहे हर एक चीज में मोबाइल नंबर डालना है, ये नहीं कि जहां मोबाइल नंबर पूछे वहीं डालना है। मोबाइल नंबर आता है तो जो एड्रेस प्रिंट होता है ना वो आपके सबसे ऊपर होता है, तो जो आपके जो पोस्टमैन होते हैं वो तो आपके इनवेलप को ओपन नहीं करते, ऊपर फोन नंबर रहेगा तुरंत कॉल करेंगे, तो ये चीजें ध्यान रहना है, यही आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं यहीं पे मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, मोबाइल नंबर, और देख सकते हैं, और ये कोई मैं डेमो के लिए फिलहाल डाल देता हूँ, ओरिजिनल मैं बाद में डालूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इसके बाद से नीचे में भी एड्रेस लाइन आपको टू डालना है, मतलब जैसे कि आपके किसके नियरेस्ट आपका घर पड़ता है, जैसे कोई बाजार है, कोई बैंक है, या कोई फेमस रोड है, कोई फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उसको आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पे भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है लास्ट में, फिर आपको सिटी सेलेक्ट करना है नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, फिर पोस्टल कोड, पिन कोड जिसको कहते हैं स्टेट, और फिर फोन नंबर। इसके बाद से सीधे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, इतना प्रोसेस आप करना है। तो मैं फिलहाल के लिए वीडियो को पॉज करके एक बार मैं अपनी भी फिल कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस को आप फिल करके सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पे आपको रिडायरेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो कुछ ही देर में ही अपने आप रिडायरेक्ट हो जाएगा, वो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कंडीशन। अदरवाइज आपको अगर नहीं हो पाए तो रिडायरेक्ट पे भी आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आप जा सकते हो अपने यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे जहां से आप ये सारे काम स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अभी नॉट स्टार्टेड लिखा है स्टेप टू, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये जैसे ही हमारा ये लोड हो रहा है ये इन प्रोग्रेस यहाँ पे शो कर देगा, जैसे कि पहला स्टेप मेरा ऑलरेडी डन हो चुका है, जैसे कि मैंने आप सभी स्टूडेंट के लिए सभी क्रिएटर को बताया था, हालांकि मैं बार बार स्टूडेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो स्टूडेंट भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा स्टेप भी यहाँ पे इन प्रोग्रेस हो गया। अब दोस्तों हमें 24 to 48 hours का वेट करना पड़ता है, वैसे तो दोस्तों ये एक हफ्ते का टाइम लेता है या 10-15 दिन के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीरियड होता है, 10 से 15 दिन के अंदर नहीं हुआ तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन दोस्तों मैंने अभी तक जितनी भी चैनल यहाँ पे किया है
22-48 आवर्स के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने बहुत मेहनत की इस चैनल में, तो ये भी 24-48 आवर्स के अंदर ये मोनेटाइज हो जाएगा। और इसके बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी भी वीडियो मैं 24-48 आवर्स के अंदर यहाँ पे लाऊंगा। तो आज की वीडियो को मैं यही स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप रिव्यू होगा और तीनों स्टेप यहाँ पे डन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही यार, स्पोर्ट ट्रिक को यार दबा के लाइक शेयर ठोक दो यार पूरी तरीके से, जितनी भी जो भी चीजें करनी है कर दो यार, लेकिन यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सबके लिए इनिशिएटिव के लिए लॉन्च किया गया है यहाँ पे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी टेक्निकल नॉलेज होगा वो सभी आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कैसे ग्रो करना है अपने लाइफ में, आपको भी स्पोर्ट ट्रिक्स बनाना है, आपको भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड चैनल बनाना है, तो गाइड मिलेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट ट्रिक को जाके अभी भी जाके दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ। नितेश सर के साथ जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।